सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली के बले से टूटा एक और रिकॉर्ड, गांगुली और द्रविड़ को छोड़ा पीछे। विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं उनके बले से रन तो निकलते ही है, साथ में वो कई रिकॉर्ड भी तोड़ डालते हैं। कानपुर वन डे में भी विराट कोहली ने यही किया। विराट कोहली जैसे ही कानपुर में 8 रनों के निजी स्कोर पर पहुंचे, उनके इस साल 2000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन हो गए। विराट कोहली ने ऐसा करते ही सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने अपने करियर में चौथी बार एक साल में 2000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, जबकि गांगुली और द्रविड़ ने ऐसा 3 से 3 बार किया था। भारत की ओर से सबसे ज्यादा एक साल में 2000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 5 बार इस कारनामे को अंजाम दिया है। एक साल में सबसे ज्यादा 2000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुमार संगाकारा के नाम है, जिन्होंने 6 बार ऐसा किया है। विराट कोहली ने 4 बार एक साल में 2000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बना दिए हैं और उन्होंने मैथ्यू हेडेन, जैक्स कैलिस और महिला जयवर्धने की बराबरी कर ली है। वैसे इस साल की बात करें तो विराट कोहली पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। विराट कोहली ने इस साल 449 टेस्ट रन, 195 टी20 रन और वनडे में खबर लिखे जाने तक 1372 रन बना लिए थे। विराट कोहली इस साल सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उनका सभी फॉर्मेट में मिलाकर तकरीबन 60 का औसत है। कानपुर वनडे की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी। भारतीय टीम ने पहला विकेट 29 रनों पर गंवा दिया। टिम साउदी ने शिखर धवन को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को संभाले रखा और खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपना अर्धशतक तो जमाया ही, साथ में टीम इंडिया का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।